हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल दिल से। तो आज हम बनाएंगे टेक अवे स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ एट होम। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। सबसे पहले हमने जो आलू हैं उनको पतला पतला और लंबा लंबा काट लेना है, कुछ इस तरह। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करते हैं। अब जितनी देर में हमारा ऑयल गरम हो रहा है, हमने क्या करना है, अपने फ्राइज़ को एक सूखे कपड़े के ऊपर रख के अच्छे से ड्राई कर लेना है, ताकि उसके बीच का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से जो फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगे, और इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो हम इन्हें दो बार फ्राई करेंगे, तो कुछ स्मॉल स्मॉल बैचेस लेंगे और हम अपने ऑयल में इनको डालेंगे। चलिए अब फ्राइज़ के ऊपर डालने के लिए एक सीजनिंग तैयार करते हैं, जिसके अंदर मैंने लिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक चम्मच चाट मसाला और एक ही चम्मच हॉट चिली पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उतनी देर में हम अपना सेकेंड बैच भी तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम इनको एक बार फिर से फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही क्रिस्पी सा टेक्सचर आ जाएगा और बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइज़ बनेंगी। अब हमने जो सीजनिंग बनाई थी उसको कुछ इस तरह से फ्राइज़ के ऊपर डाल के टॉस कर लेना है, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएँ। तो हमारे क्रंची से फ्राइज़ बन के रेडी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये इजी सी रेसिपी, आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फूड एंड ट्रैवल दिल से को।